एस के प्रोडक्शन के तत्वावधान से एवं सूरज कड़ू द्वारा इंडिया ग्लैम ब्यूटी आइकॉन 2023-24 का आयोजन किया गया था, जहां इस आयोजन में बच्चों से लेकर बड़ों ने भी स्फूर्ति से सहभाग लिया। एसके प्रोडक्शन के तत्वावधान से एवं आयोजक सूरज कड़ू द्वारा आयोजित इंडिया ग्लैम ब्यूटी आइकॉन में बच्चे से लेकर बड़ों ने भी स्फूर्ति से सहभाग लिया, जहां व्यक्तिमत्व विकास के रूप सज्जा आदि कला गुणों से सुसज्जित प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा की अग्रिम झलक मौजूद दर्शकों के बीच बिखेरी। जहाँ विशेष रूप से बताया जाए तो इस आयोजन में मिस मिसेस मिस्टर के साथ ही किट या कैटेगरी भी रखी गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान के तेज जीवन में सर्वगुण संपन्न होना समय की आवश्यकता है, ताकि हम प्रतियोगिता भरे जीवन में अस्तित्व टिका सके। उसी दृष्टि से हमने यह आयोजन किया है, ताकि बड़ों के साथ बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रतिक्रिया आयोजक सूरज कड़ू ने दी है। हेलो, मेरा नाम सूरज कड़ू, इंडिया ग्लैम ब्यूटी आइकॉन इसका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, और मेरा केएस प्रोडक्शन है मिस्टर मिस मिसेस की। हमने चार कैटेगरीज में ऐड की है, और ये जो कंपटीशन टफ होने वाली है, जैसे कि फेमिना मिस इंडिया, पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया होता है, उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन होने वाली है। और हमारे जूरी है जो अच्छा रिजल्ट देंगे, मेरी पूरी टीम है अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू सर। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मुकेश शाहू माहेश्वरी, डॉक्टर मुजुमदार, तेजा श्रीपाद, कुलदीप आदि विशेष रूप से मौजूद थे, जिन्होंने सूरज कड़ू के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश माहेश्वरी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैं इंडिया ग्लैम इंडिया आईकॉन में अवार्ड में एज ए चीफ गेस्ट से सूरज कड़ू जी ने मुझे इनवाइट किया है, और इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बच्चे छोटे छोटे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने में समर्थ हुए हैं। और मेरी साक्षी के अंदर मैंने देखा कि बच्चे बहुत खुश हैं, और यहाँ पे वुमेन्स एम्पावर्ड के अवार्ड से सम्मानित करने का काफ़ी प्रतिभा को सम्मानित कर रहा हूँ मैं, और सबको अवार्ड से नवाजा है, सबको आशीर्वाद ब्लेसिंग दिया। और सूरज कड़ू इसी तरीके से ऑर्गेनाइजर हैं, जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जो इसी प्रकार के इवेंट करके देश दुनिया और नागपुर की जनता के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर लाके उजागर करते हैं, और मीडिया के सामने, समाज के सामने, देश के सामने अच्छी अच्छी प्रतिभा को अवसर देते हैं कि अपना एक उचित प्लेटफॉर्म सुनिश्चित कर सके और अपना नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। मैं ये बोलना चाहूँगा, ये सूरज कड़ू सर ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसमें बच्चों में पता लगता है कितना इंटेलिजेंट है, बच्चों के सब जो अंदर छुपा हुआ है डांस ये सब पूरा खुल के बाहर आता है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्ते BCN, मेरा नाम कुलदीप, मैं एक फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यहाँ पे हम सूरज कड़ू सर के प्रोग्राम में आए हैं, जो KS प्रोडक्शन ये बहुत शानदार प्रोग्राम जिंदर मॉल में ले रहा है। अभी किड्स का राउंड शुरू है और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छी तैयारी से आए हैं, पिछले एक महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी, शानदार आयोजन है, बहुत मस्त। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जुड़ो और फैशन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू सो मच BCN, आप यहाँ पे आए हैं और इतना सारा अच्छा अच्छा कवरेज ले रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि देखिए हर पेरेंट्स को कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का जो बोझ है, कंधे पे जो बक्से का बोझ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक के बाद एक एक्टिविटीज़ करता है बच्चा, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद घर आता है, घर के बाद ट्यूशन क्लासेस जाता है, उसके बाद और कोई नई ट्यूशन शुरू हो जाती है, बच्चा बहुत थकता है। लेकिन इस प्रकार का जो आयोजन करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजर है, लेकिन बच्चे को अगर एक मंथ के लिए ऐसे किसी प्रोग्राम में या शो में पार्टिसिपेट कराया जाए, तो आने वाले समय में बच्चों को जो माइंड का जो प्रेशर है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कराइएगा। थैंक यू सो मच BCN, थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज तेजस सतीश श्रीपाद, एंड मैं स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। मुझे यहाँ पे एज अ VIP गेस्ट करके बुलाया गया है, तो सूरज सर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इससे छोटे बच्चों, बड़े और महिला जो कलाकार होते हैं, उनको अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिलता है ऐसे कार्यक्रम में आने से, प्रोग्राम आने के बाद। इसलिए मैं सभी
पार्टीशन को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही उत्साहित करते रहो, इसमें से ही अपने को आगे फ्यूचर में कोई बड़ा एक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर या फिर बड़ा मेकअप आर्टिस्ट या फिर मॉडलिंग जनरेशन का कुछ बड़ा मिलता है। इसलिए ऑल द बेस्ट और सबको मेरी यही विनती है कि अपने कलाकार को छुपाओ मत, बाहर निकालो, कहीं ना कहीं आपको जगह मिलेंगी। थैंक यू। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।